नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा PhD एडमिशन 2023 के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तृत नोटिफिकेशन एवं ऑनलाइन आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। एडमिशन दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने रिगार्डिंग PhD 2023 एडमिशन एडवर्टाइजमेंट एंड गाइडलाइंस का लिंक दिखाई देगा। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एंड गाइडलाइंस। सबसे पहले हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट के बारे में। दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। नोटिफिकेशन फॉर PhD एडमिशन सेशन 2023। PhD एडमिशन रेगुलर मोड के माध्यम से किया जाएगा, यानी रेगुलर मोड रहेगा PhD का। सब्जेक्ट की बात करें तो जर्नलिज्म, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंग्लिश, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, संस्कृत एंड मैथमेटिक्स विषयों के लिए PhD एडमिशन के लिए आवेदन यहां आमंत्रित किए जा रहे हैं। द यूनिवर्सिटी शेल एडमिट स्टूडेंट हु हैव क्वालिफाइड फेलोशिप या स्कॉलरशिप इन UGC नेट या UGC CSR नेट गेट या CEED एंड सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट। तो जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, वे चाहे फेलोशिप हो, चाहे स्कॉलरशिप हो, UGC नेट इन UGC CSR नेट हो, गेट हो, CEED हो या कोई भी नेशनल लेवल का टेस्ट पास किया हुआ जो अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकता है। एकेडमिक क्राइटेरिया की बात करें तो UGC रेगुलेशन 2022 के अनुसार यहाँ पर लागू होगा। VMU PhD ऑर्डिनेंस। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक रहेगी। टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर हम और अधिक जानकारी ले सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी दिया गया है, इस पर भी हम अपनी जो कोई भी क्यूरी है उसके संदर्भ में जानकारी ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम ऑर्डिनेंस के बारे में। PhD एंट्रेंस गाइडलाइंस 2023। 16 जनवरी 2023 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। कोर्स पूर्णतः रेगुलर मोड पर रहेगा, इसका विशेष रूप से हमें ध्यान रखना होगा। एडमिशन प्रोसीजर यहाँ दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मास्टर डिग्री में 55% का क्राइटेरिया रखा गया है और अदर जो कैटेगरीज है जिसमें SC ST OBC नॉन क्रिमिनल डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, 5% की छूट के साथ 55% मास्टर डिग्री से उत्तीर्ण होने चाहिए आवेदन कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसीजर दिया गया है। सबसे पहले उन अभ्यर्थियों की इंटरव्यू लिया जाएगा जो कि ऑर्डिनेंस में दिया गया है। उसके अनुसार द यूनिवर्सिटी शेल एडमिट स्टूडेंट हु क्वालिफाई फॉर फेलोशिप या स्कॉलरशिप इन UGC नेट UGC CSR नेट गेट CEED एंड सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू। तो यहाँ पर इंटरव्यू का जो है प्रावधान किया गया है। द मेरिट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एज गिवन बिलो। अगर मेरिट सूची तैयार की जाती है तो यहाँ एंड और का चिन्ह दिया गया है, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ एंट्रेंस एग्जाम है, इसका 70% जो है वेटेज दिया जाएगा और 30% जो वेटर रहेगा यहाँ पर इंटरव्यू का रहेगा। सिलेबस दिया गया है 50% ऑफ रिसर्च का है और 50% मैथोलॉजी एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक।
क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यूजीसी नेट सीएसआर नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी, इसके अलावा पार्टिकुलर एकेडमिक परफॉर्मेंस के संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है, जिसमें हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर आदि के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। इंटरव्यू के संदर्भ में यदि लागू होगा, यदि आवश्यक होगा तो लिया जाएगा। अवेलेबल सीट कंटिन्यूइंग एजुकेशन जिसमें जर्नलिज्म में है, 3 सीटें निर्धारित की गई है। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस इंग्लिश में यहाँ 3 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस में यहाँ 6 सीटें हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4 सीट हैं। जियोग्राफी में 2 सीट हैं। संस्कृत में 1 सीट है। इकोनॉमिक्स में 3 सीट हैं। एजुकेशन जिसमें 2 सीट हैं, स्पेशली एजुकेशन में 2 सीट हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बॉटनी और मैथमेटिक्स में 4-4 सीटें निर्धारित की गई। टोटल सीट यहाँ 34 हैं जिनके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कोर्स वर्क रहेगा जिसका क्रेडिट जो स्कोर है 8 है। 75% जो उपस्थिति है अनिवार्य की गई है। और अधिक जानकारी के लिए हम इसका अवलोकन यहाँ कर सकते हैं। फी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, कितने क्या रहेंगे। सिलेबस के संदर्भ हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, टोटल मार्क्स इज 100। रिसर्च सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट 100 मार्क्स, जिसमें रिसर्च मेथोलॉजी 50 मार्क्स, सिलेबस फॉर द रिसर्च बेस्ड पेपर 20 मार्क्स, लैंग्वेज इन रिसर्च इंग्लिश एंड इंग्लिश 10 मार्क्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन रिसर्च 10 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 10 मार्क्स, और स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट रहेगा 50 मार्क्स का रहेगा। और इसके लिए हम यूजीसी नेट या सीएसआर नेट की जो वेबसाइट है उसका अवलोकन कर सकते हैं सिलेबस के लिए। यानी यूजीसी नेट सीएसआर में जो सिलेबस है, उसी सिलेबस जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस दिया गया है उसी के अनुसार यहाँ जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। पीएचडी एंट्रेंस गाइडलाइन 2023। अब बात करेंगे हम ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, फर्स्ट ईयर फ्रेश एडमिशन जुलाई 2022 का, सेकंड थर्ड ईयर प्रमोटी एडमिशन 2023 का। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर हमें पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन लास्ट डेट है 31 जनवरी 2023, प्रिंट फॉर्म और अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जहां पर पीएचडी एंट्रेंस एमबीए और एमसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो गाइडलाइन दिखाई देगी। यहां पर हमें प्रोग्राम कोड का ऑप्शन मिलेगा, जिन सब्जेक्ट के लिए हम आवेदन करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को हम यहाँ चयन कर लेंगे। इसके पश्चात रीजनल सेंटर का जिक्र किया गया है, तो यहाँ रीजनल सेंटर जैसे हम सब्जेक्ट फिल करेंगे यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ कोटा है, इस तरह से बोटनी का है, सेलेक्ट करते हैं हमारे सामने इस तरह से। फिलहाल जो क्षेत्रीय केंद्र जो परीक्षा केंद्र होगा कोटा रहेगा। इसके अलावा हमें यहाँ पर 500 रुपये की जो फीस निर्धारित की गई है, आवेदक का नाम लिखना होगा, जन्मतिथि, आवेदक पिता का नाम, माता का नाम, पत्राचार का पता, राज्य, तहसील, पिन कोड, मोबाइल नंबर, वैवाहिक स्थिति, लिंग, श्रेणी, विशेष श्रेणी, धर्म, राष्ट्रीयता, रोजगार की स्थिति, एरिया, डिसेबिलिटीज, एनुअल इनकम, आधार नंबर, माइनॉरिटी अगर संबंध रखते हैं, फोटो अपलोड करनी होगी यहाँ पर, जहाँ पर हम अपलोड कर सकते हैं सिग्नेचर फ़ोटो 50 KB, लेस देन 50 KB, तो यहाँ पर चूज़ फाइल लिंक पर क्लिक करेंगे और अपलोड पर क्लिक करके हम आसानी से अपलोड कर पाएंगे। मैक्सिमम साइज निर्धारित की गई है 50 KB। इसका विशेष ध्यान रखना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हायर सेकेंडरी यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, बीए बीकॉम बीएससी, और इसी तरह से यहाँ पर हम एमए एमएससी एमए या अदर पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके पश्चात ईयर सेलेक्ट करेंगे जिस ईयर में हमने पास किया है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट ऑफर, परसेंटेज एंड ग्रेड कौन सी है। ग्रेड पर जैसे हम सेलेक्ट करेंगे हमारे सामने फर्स्ट सेकंड थर्ड ए बी सी डी जो भी एन ए या अदर का जो ऑप्शन हमें मिलेगा।
टीचिंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यदि है तो आप यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग और सबमिट पर क्लिक करके हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करूँगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBCB HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।